सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस चेलमेश्वर का एक बड़ा बयान सामने आया है। जस्टिस चेलमेश्वर ने मोदी सरकार को कहा है कि अगर मोदी सरकार चाहे तो राम मंदिर को लेकर एक कानून बना सकती है, इससे सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के फैसले को लेकर अभी मामले को पेंडिंग कर दिया है। आने वाले 2019 में जनवरी को इसकी सुनवाई की जाएगी। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज का यह बयान आना वाकई एक बड़ा मुद्दा बन जाता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस चेलमेश्वर का कहना है कि अगर मोदी सरकार चाहे तो, अगर मोदी सरकार जनता को राम मंदिर देना चाहती है तो वो चाहे तो सुप्रीम कोर्ट से हटकर खुद की सरकार में एक कानून ला सकती है ताकि राम मंदिर को लेकर कोई पहल की जाए। वहीं ये देखने वाली बात होगी कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस चेलमेश्वर के बयान के बाद मोदी सरकार अब इस पर क्या रुख अपनाती है। क्या मोदी सरकार वाकई राम मंदिर को लेकर एक कानून बनाने की पहल करती है या फिर वो केवल सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करती है। जस्टिस चेलमेश्वर का यह बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब सुप्रीम कोर्ट राम मंदिर को लेकर कोई फैसला नहीं कर पा रही है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने दरअसल पूर्व जज जस्टिस चेलमेश्वर का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट अगर राम मंदिर को लेकर कोई फैसला नहीं कर पा रही है तो मोदी सरकार अगर चाहे तो जनता के हित में, जनता को देखते हुए राम मंदिर को लेकर एक कानून बना सकती है ताकि जल्द से जल्द लोगों को राम मंदिर मिल पाए।